नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अल्पिका बागड़ी। तो आज हमने चर्चा करनी है टाइफाइड फीवर पे, जिसे हम म्यादे बुखार, एंट्रिक फीवर या मोती जरा भी कहते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टाइफाइड फीवर के लक्षण क्या क्या होते हैं, ये क्यों होता है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, इससे बचाव कैसे किया जाना चाहिए और आगे इसका बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक उपचार। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी टाइफाइड फीवर क्या होता है। टाइफाइड बुखार एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के जरिए होता है, यानी हमारे मुंह से हमने कुछ दूषित पानी या दूषित कोई भोजन हमने ग्रहण किया जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। इसमें क्या होता है कि जो साल्मोनेला टाइफाइड नाम का जो बैक्टीरिया है वो हमारे इंटेस्टाइन यानी हमारे आंतों में वो जगह बनाना स्टार्ट करता है, वो वहाँ पे छुपना शुरू कर देता है और वहाँ कॉलोनीज़ बनाना शुरू करता है। ग्रेजुअली जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है 1 से 3 हफ्ते तक वो इंटेस्टाइन में रह सकता है, फिर ग्रेजुअली ये इन्फेक्शन हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, जिससे फिर ये हमारे विभिन्न अंगों में पहुँचना शुरू कर जाता है, फिर हमारे टिश्यूज़ में जाके ये इकट्ठा होने लग जाता है। लक्षण 1 से 3 हफ्ते में कभी भी पेशेंट को आ सकते हैं। शुरुआती लक्षण में पेट का दर्द, बुखार या भूख ना लगना, इस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि टाइफाइड फीवर में सिम्टम्स क्या क्या देखे जाते हैं। टाइफाइड का अगर बुखार पेशेंट को आता है तो उसमें हेडेक का सिम्टम्स देखे जाएंगे, लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम देखा जाएगा, पेट का दर्द, भूख ना लगना, शरीर पे चकत्ते हो जाना, लाल रंग के चकत्ते जो यूजुअली छाती के आसपास देखे जाते हैं। उसके अलावा लीवर या स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाना। अगर सिम्टम बहुत ज़्यादा बना रहने लग गया है तो हाई ग्रेड फीवर इसमें देखा जाएगा। 104 तक इसमें पेशेंट को फीवर जा सकता है। फीवर का जो पैटर्न होता है वो स्टेप लेडर टाइप होता है, यानी शुरुआती दिनों में 99 रहेगा, फिर 100 हो गया, फिर 101 हो गया, इस तरह से फीवर का जो पैटर्न है वो दिखाई देता है। फीवर बहुत हाई ग्रेड होता है जिससे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पेशेंट फील करता है, डिहाइड्रेशन के इसमें सिम्टम आने लग जाते हैं। उसके अलावा हाथ पैरों में दर्द और मस्कुलर सोरनेस इसमें बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो अगर ये इस तरह के सिम्टम्स कुछ आ रहे होते हैं पेशेंट के अंदर और बाहर से कुछ खाने पीने की हिस्ट्री रहती है तो हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि पेशेंट को टाइफाइड हो सकता है। टाइफाइड का फीवर जो होता है वो रिलैप्स भी कर जाता है। इनिशियली थोड़े सिम्टम्स आए बट पेशेंट ने थोड़ा अपना खान पान का ध्यान रख लिया और इम्यूनिटी थोड़ी पेशेंट की स्ट्रांग है तो शुरुआती दिनों में सिम्टम कई बार पेशेंट नहीं शो करता, वो 3 से 4 हफ्ते में सिम्टम कई बार शो करता है। सिम्टम अचानक भी आ सकते हैं और सिम्टम धीरे धीरे भी डेवलप होते हैं। यूजुअली टाइफाइड के फीवर जो होते हैं ग्रेजुअल ऑनसेट का होता है। इसके अंदर फिर देखा जाएगा कि पेशेंट के जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें और भी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटस हो जाता है अगर पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं लेता है, और ये रिलैप्स भी करने लग जाता है, यानी 15 दिन पेशेंट ठीक रहा, 15-20 दिन फिर बीमार हुआ, फिर थोड़ा सा ठीक हुआ और 1-1.5 महीने बाद फिर से पेशेंट के सिम्टम आने लगे। तो इस तरह का एक पैटर्न शो होने लग जाता है अगर इन्फेक्शन पूरी तरह कवर नहीं होता। इसमें अगर दिक्कत ज़्यादा रह जाती है तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में से ब्लीडिंग होने लग जाती है, यानी आंतों में से ब्लीडिंग का दिक्कत हो जाता है क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो वहाँ इकट्ठा है, वो वहाँ से परफोरेशन करना शुरू कर देता है। ये एक कॉम्प्लिकेशन होता है टाइफाइड फीवर का। परफोरेशन का मतलब है उसके अंदर जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसने वहाँ पे आंतों में घाव कर दिए हैं। ये हो गई बात टाइफाइड के लक्षणों की और संभाव मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेशन भी बता दिया। मैं आपको बताना चाहूँगी अगर टाइफाइड से हमें बचाव करना है तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने होंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बाहर का दूषित पानी और दूषित खाने से हमें परहेज़ करना चाहिए। पानी हमेशा बॉईल करके पीना चाहिए। जिस एरिया में यूजुअली टाइफाइड रिलेटेड सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हैं उस एरिया में हमें ख़ास तौर पे ध्यान देना है। पानी हमेशा स्वच्छ पानी पीना चाहिए, बॉईल करके आप ले सकते हैं, नहीं तो आप घर में RO का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए। रॉ खुले फ्रूट या फिर स्ट्रीट फ्रूट जो होते हैं उस पर भी टेंडेंसी रहती है टाइफाइड के सिम्टम डेवलप करने की। उसके अलावा हमेशा धुले हुए फल फ्रूट खाने चाहिए, खाने को हमेशा पका के फ्रेशली कुक्ड खाना खाना चाहिए। उसके अलावा जो भी खुले फल बिकते हैं या फिर सलाद खुली बिकती है या फिर खुले आप खरीदते हैं तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए। हमेशा अच्छे से वॉश करके ही आपने अच्छे से साफ़ सुथरे बर्तन में ही खाना बनाना चाहिए, खाना परोसना चाहिए। खाना खाने से पहले हैंड वॉश भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइफाइड का जो स्प्रेड का रीज़न होता है वो ओरोफिकल रूट है, यानी अगर हाथ हमारे गंदे हैं, गंदे हाथों से हमने कुछ खा लिया तो भी चांसेस रहता है। उसके अलावा इसका जो स्प्रेड का कारण होता है वो होता है फीकल रूट, यानी कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसने खुले में अगर शौच किया है या कुछ भी इन्फेक्शन उसको इस तरह का है, उसका चाहे स्टूल का हो चाहे यूरिन का हो, इन्फेक्टेड वो फिर भी रहेगा, जिससे टेंडेंसी रहती है दूसरे लोगों को भी इसको फैलने की। इसलिए हमेशा शौचालय का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इस तरह के इन्फेक्शन से बचा जा सके। अब मैं आपको बताना चाहूँगी टाइफाइड को डायग्नोस करने के लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराई जा सकती हैं। अगर टाइफाइड का इन्फेक्शन की डाउट होता है तो सबसे ज़रूरी टेस्ट है कि ब्लड टेस्ट किया जाना चाहिए। ब्लड टेस्ट यूजुअली अगर हम विडाल कराते हैं तो वो 7वें दिन आता है, इसलिए रूटीन में जो एग्जामिनेशन अगर हम करा रहे हैं तो कंप्लीट ब्लड काउंट कराना है, विडाल कराना है, और अगर 7 दिन नहीं हुए हैं, हमें शुरुआती दिनों में ही कराना पड़ रहा है तो हम टाइफी डॉट करा सकते हैं, जिसके अंदर IgM और IgG की जांच होगी। इससे आइडिया लग जाता है कि एक्यूट टाइफाइड चल रहा है या फिर प्रेजेंटिंग स्टेटस में भी टाइफाइड के सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं, तो इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं। उसके अलावा पेशाब की जांच और स्टूल की जांच भी करी जाती है टाइफाइड को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है, मैं आपको बताना चाहूँगी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर टाइफाइड की दिक्कत है। यूँ तो टाइफाइड की दिक्कत एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अगर सही समय पर सही जाँच से इसको दवाइयाँ दी जाएँ तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा आराम पेशेंट में आ जाता है। अगर अनट्रीटेड ये रह जाती है तो काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना पेशेंट को करना पड़ सकता है। इसमें एक तो हो गया परफोरेशन, इंटेस्टिनल परफोरेशन जो मैंने पहले भी बताया था, यानी आंतों में घाव हो जाते हैं जिसकी वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक यानी आंतों से ब्लीडिंग का दिक्कत हो सकता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर बुखार बढ़ जाता है तो मेनिंजाइटिस का यानी दिमागी बुखार का एक कॉम्प्लिकेशन है ये भी टाइफाइड का। उसके अलावा डिलीरियम यानी पेशेंट अब आपे में नहीं रहता, बड़बड़ाना शुरू कर देता है, इस तरह के सिम्टम्स भी आते हैं, और लगातार दर्द पेट में बना रहने लग जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी ऐसे कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिन्हें लेके आप टाइफाइड की दिक्कत में आराम पा सकते हैं। देखिए होम्योपैथी में ऐसी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं जिन्हें लेके रिलैप्सिंग टाइफाइड को भी आराम पाया जा सकता है। जिसको बार बार टाइफाइड की दिक्कत होती है, बार बार एंटीबायोटिक का कोर्स करना पड़ता है, इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, तो इस तरह का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होम्योपैथी में है। जिनको रिकरेंट टाइफाइड का दिक्कत है उनके लिए भी, और जिनको एक्यूट लेवल पर टाइफाइड के सिम्टम्स आए हैं उनके लिए भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन इसमें आ जाती है बेप्टीसिया। बेप्टीसिया 30 पोटेंसी में भी ली जा सकती है और 200 पोटेंसी में भी। बेप्टीसिया का बहुत अच्छा एक्शन है हमारी बॉडी पर अगर टाइफाइड के सिम्टम आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो सिम्टम देखने को मिलता है वो है ऑफेंसिवनेस, यानी जो भी पेशेंट का डिस्चार्ज होगा, मोशन, स्टूल, यूरिन, स्वेट, एवरीथिंग विल बी ऑफेंसिव। बहुत ज़्यादा स्मेल रहेगी, बदबू रहेगी, पेशेंट डिलीरियम में रहेगा, यानी इतना तेज़ बुखार होगा कि पेशेंट बड़बड़ाना शुरू कर देता है। पेशेंट से कुछ पूछते हैं तो बहुत रुक के वो 1-2 शब्दों में जवाब देता है। पेशेंट को हर चीज़ टाइट लगती है, हार्ड लगती है, वो एक सॉफ्ट जगह लेटने के लिए ढूंढता है कि मैं कहाँ लेटूं कि मुझे सॉफ्टनेस मिले। उसके अलावा इसमें भी बहुत ज़्यादा मस्कुलर सोरनेस आएगी, बहुत ज़्यादा मुंह का स्वाद बहुत कड़वा रहता है, बदबू बहुत आती है मुंह से। इस तरह के सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो बेप्टीसिया बहुत अच्छा काम करती है। बेप्टीसिया का जो डोजेज़ है, बेप्टीसिया 30 दिन में 4 बार, एक बारी में 4-4 ड्रॉप्स लिया जा सकता है अगर आप लिक्विड में ले रहे हैं। अगर आप गोलियों में ले रहे हैं तो 4-4 गोलियाँ 4 बार। नेक्स्ट मेडिसिन आ जाती है ब्रायोनिया 30। ब्रायोनिया 30 का भी बहुत अच्छा एक्शन है। अगर सिम्टम्स आते हैं सोरनेस के, पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द है, ये ग्रेजुअल सिम्टम्स अगर डेवलप हुए होते हैं तो उनमें बहुत अच्छा काम करता है, यानी धीरे धीरे अगर सिम्टम्स डेवलप हुए हैं। पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, ब्रायोनिया का जो पेशेंट होगा वो बार बार पानी डिमांड करेगा कि उसे गला सूख रहा है, पानी चाहिए। फीवर बहुत हाई ग्रेड होगा, लेकिन सारे सिम्टम्स जो हैं ग्रेजुअली डेवलप हुए होंगे। बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्डनेस है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील हो रही है पेशेंट को। उसके अलावा ज़रा सा भी पेशेंट अगर हिलता डुलता है तो उसको बहुत ज़्यादा समस्या होती है, और रेस्ट पे रहता है तो पेशेंट थोड़ा बेटर फील करता है। साथ ही साथ इसमें हेडेक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। अगर फ्रंटल साइड में यानी अगर माथे के आसपास अगर दर्द हो रहा है तो ब्रायोनिया बहुत अच्छा काम करेगी। साथ ही साथ इसमें कब्ज़ का भी शिकायत पेशेंट को रहेगा, तो अगर कब्ज़ है, ड्राइनेस है, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बुखार बहुत तेज़ आ रहा है, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, तो ब्रायोनिया 30 बहुत इफेक्टिव रहेगी। ब्रायोनिया 30 का जो डोजेस रहेगा दिन में 4 बार, एक बारी में 4-4 ड्रॉप्स। नेक्स्ट मेडिसिन आ जाती है आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम भी उन लोगों में अच्छी सूट करेगी जिनके सिम्टम्स आ रहे हैं कुछ भी बाहर से अगर खाया है, इन्फेक्शन हुआ है, लूज़ मोशन पेशेंट को हुआ है, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव लूज़ मोशन है पेशेंट के, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा वीकनेस एंड प्रोस्टेशन बहुत मांग रहेगी इसके अंदर। वीकनेस इसमें 3+ में है, पेशेंट बहुत ज़्यादा बेचैन है, बेचैनी बहुत ज़्यादा है, इधर से उधर पेशेंट घूम रहा है, कमज़ोरी फील कर रहा है पेशेंट, लेकिन इधर उधर घूम रहा है, थोड़े थोड़े पानी की बार बार प्यास लग रही है, और बहुत ज़्यादा फीवर उसको आया हुआ है, और बहुत ज़्यादा लेथार्जिक वो हो रहा है। जो तकलीफ़ें हैं वो दिन में, दोपहर के समय और रात में, आधी रात में वो बढ़ रही हैं। तो आर्सेनिक 30 लिया जा सकता है। आर्सेनिक का जो डोजेस रहेगा दिन में 4 बार, एक बारी में 4-4 ड्रॉप्स लिया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन आ जाती है आर्निका 30। आर्निका भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। जैसे बेप्टीसिया को बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है टाइफाइड फीवर में, उसी तरह आर्निका भी बहुत इफेक्टिव कंसिडर की जाती है। इसमें जो फीवर का कैरेक्टर होगा वो हाई ग्रेड आएगा, साथ ही साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव मोशन का कंप्लेंट रहेगा। मोशन और यूरिन इन्वॉलेंट्री इसमें देखे जाएंगे, यानी पेशेंट को पता भी नहीं चलता और यूरिन और मोशन उसके पास हो जाते हैं। एक और सिम्टम आता है इसमें, ब्रूज लाइक सेंसेशन। ऐसा लगता है जैसे शरीर पे किसी ने बहुत ज़्यादा मारा हो, इतना पेन पेशेंट को फील होता है, बहुत ज़्यादा सोरनेस उसकी बॉडी में रहती है, लाल लाल चकत्ते देखे जाते हैं। साथ ही साथ पेशेंट को अपना बेड बहुत हार्ड लगता है लेटने में, उसे ऐसा फील होता है, चाहे वो गद्दे पे ही क्यों ना लेटा हुआ हो, उसे ऐसा फील होता है कि जहाँ भी मैं बैठ रहा हूँ, जहाँ भी मैं लेट रहा हूँ, हर चीज़ बहुत ज़्यादा टाइट है। इस तरह के टिपिकल सिम्टम आर्निका में देखने को मिलते हैं। आर्निका का जो डोसेस रहेगा दिन में 4 बार, एक बारी में 4 ड्रॉप्स। आशा करती हूँ सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।